हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक्निकल बंजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाला हूं इन्फिनिक्स का हॉट 11S, जो कि एक लेटेस्ट फ़ोन है और हाल ही में इन्फिनिक्स ने इस फ़ोन को लॉन्च किया था और दूसरी ही सेल में मैंने इस फ़ोन को परचेस कर लिया है और आपके लिए लेकर आ गया हूं इसको अनबॉक्स करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ज़्यादातर इस फ़ोन से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और कोई ऐसा सवाल अगर आपका होता है जिसका जवाब इस वीडियो में नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं उस सवाल का जवाब। मैं कोशिश करूंगा आपको उसका आंसर देने की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ऑन करने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है इन्फिनिक्स का हॉट 11S। इसका अनबॉक्सिंग हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बॉक्स पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है इन्फिनिक्स और लिखा हुआ है हॉट 11S हेलियो G88 FHD प्लस फुल स्क्रीन डिस्प्ले है और 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इस फ़ोन में दिया हुआ है। राइट साइड में हॉट 11S लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड में भी हॉट 11S लिखा हुआ है। नीचे की साइड में कुछ स्पेसिफिकेशंस और स्टिकर्स लगे हुए हैं। ऊपर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है और पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं और ये मेड इन इंडिया ब्रांड है और ये 464 में वेरियंट में है। तो बॉक्स को खोलने से पहले मैं बता दूं कि इस बॉक्स की पैकिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार है। इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है जैसे कि मोबाइल चार्जर वगैरह सब कुछ बिल्कुल हिलता रहता है, जिसकी वजह से फ़ोन के अंदर स्क्रैचेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ़ोन के अंदर भी आते हैं, साथ ही उनके जो चार्जर और जो केस कवर है उसका कोई पर्टिकुलर स्पेस या गैप नहीं बना रखा जिसमें वो प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए और वो हिले ना। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये बॉक्स के अंदर कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं दिया हुआ है, कोई जगह इस तरह से नहीं बनी हुई जिसके अंदर फ़ोन को रखा जाए और वो फ़ोन हिले ना। लेकिन इसमें देख सकते हैं किस तरह से फ़ोन हिल रहा है और इस तरह से हिलने की वजह से फ़ोन में काफ़ी सारे पीछे की साइड में स्क्रैचेस आ सकते हैं और स्क्रैचेस आएंगे तो कस्टमर फ़ोन को रिटर्न करेगा, उसको लेगा नहीं। लोग देख सकते हैं फ़ोन को बाहर निकालते ही फ़ोन के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है G88 हाइपर इंजन 2.0 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है और 6.7 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी हुई है जो कि एक डॉट नोच के साथ में आती है। 50 मेगापिक्सल का मैन कैमरा लेंस है जो कि F1.6 अपर्चर के साथ में आता है और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग इस फ़ोन के अंदर दी हुई है। बॉक्स के अंदर बाकी कंटेंट देख लेते हैं। तो देख सकते हैं सारा का सारा प्रोडक्ट किस तरह से पड़ा हुआ है, कोई पर्टिकुलर फिक्स इसको नहीं किया हुआ है, सारा का सारा प्रोडक्ट हिलता रहता है। चार्जर, डेटा केबल, केस कवर सब कुछ हिलता है। ये 9 वोल्ट का 2 एम्पेयर चार्जर है जो कि फ़ोन के साथ ही आता है, जो कि एक अच्छी बात है। ये फ़ोन को फास्ट चार्ज करने में काफ़ी मदद करता है और ये है USB 2 टाइप सी डेटा केबल जो कि फ़ोन के साथ में ही आता है। इसके अलावा ये है एक सिलिकन केस कवर और साथ ही इसमें एक सिम इजेक्टर पिन भी दी हुई है। इसके अलावा ये कुछ यूज़र मैनुअल गाइड्स हैं और कुछ वारंटी गाइड्स हैं। इसके अलावा फ़ोन के अंदर एक एक्स क्लब मेंबरशिप वाला कार्ड दिया हुआ है, ये एक वेलकम एक्स क्लब कार्ड है। इसके अलावा फ़ोन के अंदर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर यानी कि स्क्रीन गार्ड भी दिया हुआ है जो कि आप फ़ोन की डिस्प्ले पर लगा सकते हैं। इन सब को साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद फ़ोन को एक बार सेटअप कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, राइट साइड में इसमें एक पावर बटन दिया हुआ है, उसके ऊपर वॉल्यूम रोकर है और ऊपर की साइड में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। और लेफ़्ट साइड में यहाँ पर सिम ट्रे दिया हुआ है जो कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में आता है और नीचे के साइड में यहाँ पर एक स्पीकर ग्रिल है और ये है चार्जिंग का पोर्ट। इसके अलावा ये है माइक्रोफोन और ये है 3.5mm ऑडियो का जैक। इसके अलावा फ़ोन के ऊपर की साइड में भी एक स्पीकर दिया हुआ है और यहीं पर एक फ्रंट कैमरा है जो कि पंच होल कैमरा है। बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 50 मेगापिक्सल का लार्ज कैमरा लेंस दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लेंस है और 2 मेगापिक्सल का AI सेंसर दिया हुआ है और 4 फ्लैश इसके अंदर दी हुई हैं। साथ ही बैक साइड में ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है। फ़ोन की बिल्ड और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। कैमरा का लेंस का साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा दिया हुआ है और लंबाई भी काफ़ी अच्छी है और डिजाइन बहुत ही अच्छा है। तो इसका रैपर हम उतार देते हैं। रैपर उतारने के बाद आप देख सकते हैं
इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी लगती है, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन मुझे इसका लगा। 11,000 रुपये की रेंज में इससे अच्छा फ़ोन शायद ही आपको मिल पाएगा। 5000 एमएच की बैटरी है, डिस्प्ले बहुत अच्छी है, शार्प डिस्प्ले है, 500 नेट्स की ब्राइटनेस इसके अंदर दी हुई है और बिल्ड और फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया और स्टैंडर्ड फ़ोन लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि फ़ोन कोई लोकल सा है, लेकिन फ़ोन बहुत ही बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस इस फ़ोन का दिया हुआ है। ये इस पर मैंने स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा दिया है, तो लगाने के बाद इसका जो ऊपर एक फिल्म लगी हुई थी वो फिल्म भी मैंने इस पर से उतार दी है। तो उसका कैमरा टेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक कैमरा काफ़ी बढ़िया और बहुत ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी देता है। आप देख सकते हैं किस तरह से पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर दिखाई दे रही है, बिल्कुल क्लियर फ़ोटो और शार्प फोटो आता है। कुछ कैमरा शॉट्स मैं डाल रहा हूँ, इसके अलावा ये फ्रंट कैमरा की फ़ोटो है वो डाल रहा हूँ। कुछ ये मैंने फ़ोटोज़ ली थी जो कि काफ़ी बढ़िया और बहुत ही डिटेल के साथ आई हैं। ये एक वीडियो फ़ोटो है जो मैंने नाइट में खींचा था और ये वीडियो है जो बुके मोड में मैंने रिकॉर्ड की है। इसके अलावा बाकी मैंने एक वीडियो चलते हुए रिकॉर्ड किया है और यही वीडियो इसी में मैंने इसको भागते हुए भी रिकॉर्ड किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ोन का जो कैमरा है वो किस हद तक अच्छा है। तो ये देखिए भागते हुए वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि किस तरह का फ़ोन है और कैसी क्वालिटीज़ की है और फ़ोन कितना बढ़िया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन करने के बाद ऑल पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।